हाय गाइस गाइस, आज हम आपको पारस की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पारस का राज और दर्दनाक खतना की स्टोरी। ये पारस की कहानी का पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने कुछ महीने पहले अपलोड किया है, तो आप चैनल पे जाके वहाँ से पार्ट वन की स्टोरी सुन सकते हैं, और ये पार्ट टू है। तो पारस की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस समय सबको लग रहा था कि पारस का खतना हो गया है और वो अच्छा बच्चा बन गया है। पारस का खतना हुए एक महीने हो गए थे। जैसे कि हमें याद है, पिछली कहानी में पारस को सबके सामने नंगा होना और उससे भी ज़्यादा बिच्छू घास से डर लगता था। पिछली सजा के बाद पारस में कई बदलाव आए थे। इस समय पारस की उम्र 10 साल है और पारस सुबह और शाम को 1 घंटा पढ़ाई करता था। उसकी अम्मी और अबू उसको ऐसा देखकर बहुत खुश थे। पारस ने अपनी अम्मी अब्बू का भरोसा जीत लिया था और वो बाथरूम में भी झटपट जाता और वापस आ जाता। पारस की पढ़ाई की आदत को देखते हुए उसके अम्मी और अब्बू ने फैसला किया उसका एडमिशन बड़े स्कूल में कराएंगे। वो पारस को और भी ज़्यादा अच्छा मानने लगे थे और साथ ही उनको पारस पर पूरा भरोसा था कि वो पढ़ाई में अव्वल आएगा। पारस का एडमिशन उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में करा दिया था। नई वाली स्कूल में उसके अम्मी अब्बू का काफ़ी सारा खर्चा हो गया था। नई स्कूल में कुछ लड़कों की हाइट ज़्यादा थी और वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे और नए बच्चों की रैगिंग करते थे। जब पारस क्लास में गया तो आते ही बच्चों ने उसकी आंखों को कपड़े से ढक दिया और सबके सामने उसकी पैंट नीचे कर दी। सारी क्लास की लड़कियां और लड़के पारस को देखने लगे और हंसने लगे, पर पारस ने हरी चड्डी पहनी थी, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा हंसने लगे। पर जब तक टीचर आते तब तक पारस ने अपनी पैंट चढ़ा ली। उस दिन पारस को बहुत ज़्यादा शर्म आई, पर हरी चड्ढी ने उसकी इज्जत बचा ली थी। पारस के अम्मी अब्बू खर्चे को लेकर थोड़ा परेशान रहते थे, क्योंकि पारस की फीस काफ़ी ज़्यादा थी। पारस के खतना के बाद उसकी अम्मी और लुल्ली से जुड़ी उल्टी पुल्टी हरकतों पर ध्यान नहीं देती थी। पारस को नहलाते समय भी उसका कच्छा नहीं खोलती थी। पारस एक दिन स्कूल के पीछे बैठा हुआ था। उसने देखा कि उसको जो लड़के परेशान करते थे वे सब साथ बैठकर छुप छुप कर कुछ देख रहे हैं। पारस ने ध्यान से देखा तो वो स्कूल में फ़ोन ला कर रखे थे और उसमें गंदे वीडियोस के साथ गेम खेल रहे थे। तो पारस को उनसे पूछने में थोड़ा डर लगा, पर उसने पूछ लिया कि उन्होंने ये कितने में और कहां से लिया है। वो लड़के पैसे वाले और बिगड़े थे। उन्होंने कुछ ना कहते हुए पारस का सर पकड़ा और उसे भी उस फ़ोन में सब दिखाया जो वो खुद देख रहे थे। ऐसा उन्होंने रोज़ किया। फिर पारस को भी फ़ोन की आदत लग गई थी। वो पारस को भी फ़ोन एक दिन के लिए दिया करते थे और बदले में पारस से 100 रुपये लेते थे। पारस भी अपने गुल्लक में जमा किए हुए पैसे लाकर उन्हें देता था। पारस के कमरे की लाइट देर रात तक खुली रहती थी और वो जागा रहता था। उसके अम्मी अब्बू को लगता था कि वो पढ़ रहा है, पर वो फ़ोन में गेम खेलता और वीडियोज़ देखता था। पारस फ़ोन में इतना खो गया था कि वो आलसी हो गया था। वो रात को टॉयलेट लगने पर भी नहीं जाता था, क्योंकि वो फ़ोन पर लगा रहता था और टॉयलेट बिस्तर में ही कर देता था। सुबह अपना बिस्तर सुखाने के लिए छत पर डाल देता था। वो फ़ोन को अपने बैग में साइलेंट करके छुपाता था। कुछ दिनों बाद पारस के एग्ज़ाम थे और उसके बाद पारस की छुट्टियाँ पढ़नी थी और साथ ही उसका बर्थडे भी था।
तो पारस के अब्बू ने कहा कि इन छुट्टियों में हम गांव जाएंगे और पारस का बर्थडे भी वहीं मनाएंगे। पारस को समझ आ गया कि अब उसको फ़ोन नहीं मिलेगा और गुल्लक में पैसे ख़त्म हो गए थे, तो वो अब काफ़ी चिढ़ने वाला बच्चा बन गया था। पारस अपने अम्मी अब्बू से पहले जैसी जिद करने लगा और कहने लगा, फ़ोन ला कर दो, नहीं तो एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा। तो उसके अम्मी अब्बू उसे अपना छोटा फ़ोन देते, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसमें वो वीडियोस और गेम नहीं चलते थे। इतने पैसे भी नहीं थे क्योंकि सारे एडमिशन में खर्च हो गए थे। पारस बहुत तोड़फोड़ करता तो उसकी अम्मी बिच्छू घास दिखाकर उसे चुप करा देती और याद कराती, फिर से नंगा कर देंगे सबके सामने। अब पारस की अम्मी उस पर नज़र रखने लगी थी क्योंकि पारस अब फिर से टॉयलेट में ज़्यादा टाइम लगाने लगा था। एक दिन पारस ने टॉयलेट में ज़्यादा ही देर लगा दी। उसकी अम्मी ने आवाज़ लगाई पर वो आया नहीं, तो उसकी अम्मी ने चुपके से रोशनदान से देखा कि पारस अपने कच्छे धो रहा है। तो उन्होंने सोचा, ये नहाया नहीं तो कच्छा क्यों धो रहा है। अगले दिन पारस की अम्मी छत पर कपड़े सुखा रही थी तो देखा पारस का बिस्तर गीला है। उन्हें समझ नहीं आया कि ये गीला कैसे हुआ। अगले दिन संडे था तो पारस खेल करके घर में आया तो उसकी अम्मी ने उसे नहलाने का सोचा। वो पारस के कपड़े निकालने लगी, तब तक पारस ने मना किया और कहा, अम्मी मैं खुद ही नहा लूँगा। अब उसकी अम्मी को कुछ अजीब लगा और उसकी अम्मी ने प्यार से बोला तो पारस मान गया। फिर उसकी अम्मी ने उसके कपड़े निकाले और उस पर पानी डाल दिया। पारस की अम्मी ने फिर उसका कच्छा उतारना चाहा पर पारस ने मना कर दिया और कहा, मैं खुद ही नहा लूँगा। फिर अम्मी ने उससे पूछा कि तू कल कच्छे धो रहा था, तो उसका तो मुँह का रंग ही उड़ गया। इतने में उसकी अम्मी ने उसका कच्छा निकाला और देखा तो उसमें उसकी अम्मी दंग रह गई। उन्होंने देखा पारस की लुली की खाल वापस से आ गई थी, उसकी टोपी आधे से ज़्यादा ढकी हुई थी। पारस की लुली पर एक तिल था जो कि पैदाशी था। अम्मी ने देखा खतना सही नहीं हुई थी और लुली पहले से ज़्यादा टाइट हो गई थी। उन्होंने लुली को खोला तो खुल नहीं रही थी। पारस की अम्मी ने ये बात उसके अब्बू को बताई तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाना सही समझा। डॉक्टर ने पारस के अम्मी अब्बू को कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, पर इसका दोबारा खतने के साथ इस पर टांके लगाने होंगे ताकि दोबारा खाल नीचे ना आए। डॉक्टर ने कहा इसका खर्चा 25,000 तक आएगा। इतने रुपए सुन के अम्मी अब्बू के होश उड़ गए। सारा खर्चा पारस की फीस में खर्च हो गया था। डॉक्टर ने उनकी परेशानी को देखते हुए कहा, अगर आप लोग चाहो तो बाद में या किसी और से भी करा सकते हैं, ये नॉर्मल है, चिंता की कोई बात नहीं है। पारस के अम्मी को थोड़ा सुकून मिला और उन्होंने पूछा कि क्या इसका कच्छा गीला भी इसी वजह से हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पारस की अम्मी को समझ में नहीं आया कि इसका कच्छा गीला क्यों हो रहा है। पारस ने फिर रात रात तक जागना शुरू कर दिया था। वो हर रात जाग रहा था। अगले दिन पारस का लास्ट एग्ज़ाम था। उसके कहने पर कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता था। तो एक रात उसकी अम्मी को लगा कि वो पढ़ रहा है, तो उसकी अम्मी उसके लिए प्यार से दूध ले गई। पारस उस दिन दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। अब पारस की अम्मी ने उसे देखा तो वो दंग रह गई। पारस ने हेडफोन लगा रखे थे और वो फिल्म देख रहा था। अम्मी को देखकर वो फ़ोन छुपा नहीं पाया। अम्मी ने उसके अब्बू को बताया, फिर डंडा और बिच्छू घास से उसकी खूब पिटाई हुई। पारस की अम्मी समझ गई कि ये फ़ोन के चक्कर में बिस्तर में ही टॉयलेट कर देता है। पारस के अम्मी अब्बू को पारस पर बहुत गुस्सा था।
पारस की जब पिटाई हुई तो वो बहुत ढीठ हो गया था। उन्होंने पूछा कहाँ से आया फ़ोन, तो उसने फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। जब उसे उसकी पिछली सज़ा याद दिलाई और कहा कि नंगा करके सबके सामने बिच्छू घास से मारेंगे, तो उसने आधा सच बताया कि ये उसके दोस्तों का है। पारस की अम्मी को पता था कि उससे कुछ कैसे उगलवाना है। उसकी अम्मी ने अब्बू को कहा कि अभी ये नहीं बताएगा, इसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। पारस रो कर के अपने अम्मी अब्बू को गालियां दे रहा था। अगले दिन जब पारस की छुट्टियां पड़ गई तो पारस ने फ़ोन उन लड़कों को वापस कर दिया था। पारस ने उनसे कीमत पूछ ली थी, फ़ोन 12,000 का था। पारस की अम्मी गांव में किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। अगले दिन पारस को लेकर उसके अम्मी अबू छुट्टियों में गांव चले गए। उसका बर्थडे इस बार गांव में ही मनाना था। गांव में पारस भी काफ़ी समय बाद गया था। पारस गांव वालों को थोड़ा कम पढ़ा लिखा समझता था और उनके सामने खुद को तेज समझता था। गांव में पारस जितना गोरा कोई भी नहीं था। उससे वहां सब अंग्रेजी बुलाते थे सॉरी पारस को सब अंग्रेज बुलाते थे और उसे घूर कर देखते थे। गांव में पारस अपनी बड़ी खाला के बेटे बंटी से डरता था। वो पारस से 3 साल बड़ा था। पारस की उसके खाला के बेटे के साथ नहीं बनती थी। बंटी और उसके दोस्तों को पारस को सताने में मज़ा आता था। एक बार बहुत पहले उसने पारस की पैंट खींच दी थी और पारस को वो गोरी लुल्ली के नाम से चिढ़ाते थे, जो पारस को बिल्कुल पसंद नहीं था। बंटी की तरह उसकी बड़ी दादी थी जो पारस को अंग्रेज बुलाती थी और पारस को नंगा देखना पसंद करती थी, क्योंकि बचपन में उन्होंने उससे ऐसे ही देखा था। उसकी दादी को गांव में कहीं भी खतने ने बुलाते थे और वो सबसे बड़ी थी और अभी तक और उस दादी को किसी भी लड़के को जिसका खतना ना हुआ हो वो पसंद नहीं आता था। सारे गांव के छोटे लड़के उनके पास जाने से डरते थे। वो लड़कों की लुली की टोपी खोल देती थी। पारस उनसे दूर ही रहता था। पारस की अम्मी ने गांव के हजाम से पारस की खतने की बात पहले ही कर ली थी। हजाम गांव के हॉस्पिटल में ही काम करता था। पारस को अपने खतने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे बताया ही नहीं था। पारस के दिमाग में तो सिर्फ फ़ोन कैसे लेना है चल रहा था। शाम को जब सब चाय पी रहे थे तब पारस हैंडपंप के पास मुंह धोकर धो रहा था। तभी बंटी और उसके दोस्तों ने पारस के मुंह पर आटा डाला और पैंट खींच दी और उसके बाल्स पर लात मारकर भाग गए। बंटी पर पारस की गोरी टांगों को देखता रहा और भागते भागते कह गया, तुझको तो पूरे गांव के सामने नंगा करूंगा। पारस को बाल्स में दर्द हो रहे थे। पारस ने देखा कि शाम को सब लोगों को उसके यहाँ उसकी अम्मी अब्बू ने ज़रूरी काम के लिए बुलाया है। उसे लगा कि कल उसके बर्थडे के लिए कुछ प्लानिंग होगी। पारस ने फिर बंटी को फंसाने के लिए एक प्लान बनाया। पूरे गांव को बंटी भी परेशान करता था। पारस ने मौका देखा कि जितने भी लोग उनके घर आए हैं, पारस ने उन सब के यहाँ से पैसे और कीमती सामान चोरी कर दिए और एक एक बिच्छू घास का पत्ता उन लोगों के यहाँ छोड़ दिया। कुछ सामान बंटी लोगों के यहाँ जाकर उसकी पैंट में डाल दिया। फिर बंटी पत्थर मारकर उसे अपने पीछे भगाने लगा। बंटी पारस के पीछे बिच्छू घास लेकर दौड़ रहा था। तभी पारस अपने पर आ गया, जहाँ पर बंटी के हाथ में सबने घास देखकर कहा, इसे बंटी ने जरूर कुछ गलत काम किया है होगा और पारस को क्यों सता रहे हो। बंटी
चुप रहा, वो कुछ ना बोला। तभी बंटी की दादी ने पारस को चुपके से पीछे से पकड़ लिया और पारस छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पर उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर उसकी दादी ने उसकी पैंट सबके सामने नीचे कर दी। फिर लुल्ली देखी और पारस बहुत हिल रहा था तो वो उसे ढंग से नहीं देख पाई। जब तक वो समझती कि इसकी खतना नहीं हुआ है और पारस लुल्ली को पकड़ने नहीं दे रहा था, और जब तब तक उसने उनका हाथ दांत से काटा और अपना हाथ छुड़ा लिया, फिर पैंट पहन ली और दूर हो गया। फिर उसकी दादी ने कहा, कल तो मैं ही तेरी लुल्ली खोलूँगी। लोगों ने नोटिस किया कि पारस की लुल्ली पर कुछ दाग सा लगा हुआ है, तो लोगों ने उसकी अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कल देख लेना। पारस को समझ नहीं आया कि चल क्या रहा है। उसे लग रहा था कि कल सब उसके बर्थडे पर आएंगे और उसके लिए गिफ्ट लाएंगे। सारे गांव को पता था कि पारस की कल खतना है। रात को बंटी की दादी ने बंटी को बताया कि सुबह पारस की खतना है, तो बंटी खुश हो गया था क्योंकि उसको बदला लेने का मौका मिल गया था। अगले दिन पूरे गांव में शोरगुल मच गया। सब लोग बंटी के यहाँ आए थे और बोल रहे थे कि उनका कीमती सामान उसने चुराया है। बंटी को पता भी नहीं था कि सब कुछ कैसे हुआ था। लोगों ने सुबह जब अपने कपड़े की जेब में हाथ डाला तो उन्होंने कहा उसमें बिच्छू घास बंटी ने डाली है, जिसकी वजह से उन्हें जलन हुई। आज पारस का बर्थडे था। पारस अपने घर में सो रहा था। पारस की अम्मी अब्बू ने सबसे पूछा तो सब ने एक ही बात बोली, सबके कीमती सामान गायब थे। फिर बंटी की सबके सामने पिटाई की। फिर बंटी ने रो रो कर कहा उसने ऐसा नहीं किया है। सबने कहा कि कल बंटी के ही पास शाम को बिच्छू घास थी। फिर पारस के अब्बू ने कहा हम पुलिस को कॉल कर लेंगे, फिक्र मत करो। लोगों ने कहा चोर कहीं नहीं गया है होगा, गांव में ही किसी की शरारत होगी। उसी समय फिलहाल हजाम मेडिकल का सामान लेकर आ चुका था और साथ ही साथ पारस के खतने की सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी पारस के अब्बू के फ़ोन में पारस का रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। पारस के अम्मी अब्बू को इंग्लिश नहीं आती थी तो बंटी को बोलते हैं। बंटी बताता कि पारस का रिपोर्ट कार्ड है। बंटी बताता है कि वो दो सब्जेक्ट में फेल हो गया है। सारे लोग जब ये सुनते हैं तो पारस के बारे में बातें करते हैं कि वो पढ़ता नहीं है, तो उसके अम्मी अब्बू का गुस्से से मुंह लाल हो जाता है। उसकी अम्मी अब्बू को उसे डंडा लेकर उठाने जाते हैं और उसकी अम्मी उन्हें रोकती है और बोलती हैं आज इसको इसकी नींद पूरी करने दो, इसको आज ऐसा सजा दूंगी कि इसको ये बर्थडे याद रहेगा। तभी कुछ टाइम बाद बंटी की दादी भी वहाँ आ पहुँचती हैं और कहती हैं कहाँ है मेरा अंग्रेज। बाहर शोर शराबा सुनकर पारस उठता है और देखता है इतने सारे लोग और अम्मी अब्बू साथ हजाम और बंटी की दादी भी आई हुई हैं। वो फिर समझता है कि उसके बर्थडे के लिए सब आए हैं और अपनी अम्मी को बोलता है मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो वो अपनी अम्मी को गुस्से में देखकर डर जाता है। फिर जब उसकी अम्मी उसका कान पकड़कर दो चाटे मारती हैं तो वो और बोलती हैं फ़ोन लाएगा, दूसरों का कच्चा गीला करेगा, आलस करेगा, तेरा रिजल्ट आया है, तू फेल हो रखा है, रुक तेरा गिफ्ट देती हूँ तुझे। पारस को चार चाटे मारती हैं और बोलती हैं पता फ़ोन कहाँ से लाया है। पारस को मार खाते देख बंटी को अच्छा लगता है। इतने में पारस के अब्बू उसको मारने आते हैं और वो अपनी अम्मी का हाथ
दांतों से काटता है और घर से एक थैला उठाकर भाग जाता है। फिर जब उसकी अम्मी बंटी और उसके तीन दोस्तों को बोलती इसको पकड़ के लाओ, बंटी और उसके दोस्त को वो बहुत दौड़ाता और 10 मिनट बाद वो उसे पकड़ ही लेते हैं। बंटी के दोस्त उसको उसके हाथ पर हाथ और पैरों से पकड़ कर ले आते हैं। फिर बंटी उस थैले में देखता है कि वो सारा चुराया हुआ सामान थैले में था जो लोगों का था। पारस की वजह से बंटी ने फालतू में लोगों की मार खाई थी। ये देखकर सारे लोग पारस पर गुस्सा करते हैं और फिर पारस सबका गुस्सा देख रोने लगता है और पैंट में सुसु कर देता है। पारस सबके सामान सामने गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि माफ़ कर दो। वो बता देता है कि फ़ोन के लिए उसने ये चोरी की थी। सब बोलते हैं कि इसको नंगा करके मारो, इसको ऐसी सजा दो जो ये कभी चोरी ना करे। बंटी की दादी कान से थोड़े कम सुनती थी तो उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या बात हो रही थी। पारस की अम्मी ने उनको पारस की चोरी की बात बतानी चाहिए। पारस बहुत चिल्लाया और बोला अम्मी उन्हें मत बताओ प्लीज़, पर उसकी अम्मी ने एक ना सुनी और बंटी की दादी को सब बता दिया। पारस को बंटी की दादी का गुस्सा का पता था और वो उनसे डरता था। अम्मी कहती हैं मैं देती हूँ इसको सजा। वो बंटी और उसके दोस्तों को बोलती हैं कि पारस के हाथ पांव को जमकर पकड़ लो। पारस छटपटाता है पर उसके सब मिलकर उसके हाथ पांव को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर अम्मी के कहने पर उसकी पैंट और शर्ट को बंटी खोल देता है और कहता है आज तो तुझे नंगा करूँगा। पारस जोर जोर से रोता है और बोलता है नहीं नहीं छोड़ दो मुझे। पारस ने अब सिर्फ बनियान और कच्छा पहना था। फिर उसकी अम्मी रस्सी लाती हैं और उसे बांधने को कहती हैं। पारस के हाथ पीछे करके डंडे पर बांधते हैं और उसे मोटे पिलर से भी बांध देते हैं। फिर उसके पैरों को बंटी और उसका दोस्त खोल देते हैं और चौड़ा करके अलग अलग बांध देते हैं। बंटी का दोस्त पारस का की वीडियो बनाता है। पारस की अम्मी बंटी की दादी को बोलती हैं आप ही अब इसको सजा दो। तो पारस की अम्मी के कहने पर बंटी की दादी पारस को नंगा करने आती हैं और पारस उनको देखकर छटपटाता है और बोलता है दूर रहो। बंटी की दादी रुकती नहीं और पारस को बोलती हैं मेरा गोरा अंग्रेज, आज तेरे को आज सबके सामने नंगा करूंगी, बचा ले खुद को, तेरी गोरी लुली को तो आज खोल के ही रहूंगी, लाल टोपी सब देखेंगे। सबकी नज़रें पारस के गोरे बदन से हट नहीं रही थी। सब साथ में बोल रहे थे इसको नंगा करो, इसकी लाल टोपी दिखाओ। फिर बंटी की दादी ने उसकी बनियान को ऊपर करके फाड़ दिया और पारस और भी ज़्यादा डरने लगा और जोर जोर से रोने लगा, बोलने लगा अब पारस ने सिर्फ गीला कच्छा पहना था। बंटी की दादी के हाथ बहुत कड़े थे, बहुत ज़्यादा फटे हुए थे तो चुभते थे, पारस को वो चुभ रहे थे। अब पारस ने सिर्फ कच्छा पहना था। बंटी की दादी कह रही थी मेरा गोरा अंग्रेज कितना गोरा है और तेरे को आज कर दूंगी नंगा, ऐसा बोल रही थी। पारस बंधा था तो कुछ नहीं कर पा रहा था, बस रो रहा था। फिर बंटी की दादी ने सबको बोला यहाँ पर देखते रहो। सब ने बोला इसे नंगा करो। फिर बंटी की दादी ने दोनों हाथ कच्छे के अंदर डाले और पारस की कमर से उसे नीचे खींचने लगी। फिर पारस नहीं कहने लगा रोते रोते। दादी ने पारस के कच्छे को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से चीर दिया, फिर पीछे से भी चीर दिया और जोर से कच्छे को झटक के हटाकर कहा हो गया पारस नंगा। अब सब लोगों ने ताली बजाई
और बंटी ने कहा, गोरी लुली। सब हंसने लगे। फिर पारस की अम्मी ने हजाम को कहा, कह दिया, इसका सिर्फ खतना नहीं बल्कि टांके मार के खतना करना है। पारस ये सुनकर डर कर जोर से बोलने लगा, सॉरी 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 अम्मी। पर पारस की अम्मी ने उसकी एक ना सुनी और बंटी की दादी को कहा कि सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ, तब तक आप इसकी लुली खोल दो, बहुत टाइट हो रखी है। कल बंटी की दादी और लोगों ने पारस की गोरी लुली पर कुछ काला सा देखा था। उसकी अम्मी ने कहा था कि कल देख लेना जो भी है। फिर हजाम ने मेडिकल डब्बे से औजार निकाले और पारस की लुली को खोलने के लिए पीछे ढकेला तो वो नहीं खुली। फिर उसने पूरा जोर लगाया तो फिर भी नहीं हुई। फिर उसने कैंची निकाली तो पारस चिल्लाने लग गया। तब बंटी की दादी ने अपना हाथ पारस की गोरी लुली की तरफ बढ़ाया। पारस अपने वजन से लुली को हिला रहा था और साथ ही चिल्ला भी रहा था। तो बंटी की दादी ने धीरे से एक हाथ पारस के मुंह पर रखा और बोला, चुपचाप रह। बंटी को इशारा किया और पारस का मुंह उसने अपने हाथों से बंद कर दिया। पारस लुली हिला रहा था तो उसकी दादी ने आहिस्ता से उसके एक हाथ से लुली पकड़ ली और पारस को उसके हाथ लुली पर चुभ रहे थे, फिर उसे जोर से दबा दिया। पारस चिल्लाता कैसे, बस हम की आवाज़ कर रहा था। फिर बंटी की दादी ने लुली पर एक काला धब्बा देखा और पारस की अम्मी को बुलाया और पूछा, ये क्या है। ये सब बंटी भी देख रहा था। अम्मी ने बोला कि ये इसकी लुली पर काला तिल है जो बचपन से है। मैं चाय बना रही हूँ, आपको लुली के साथ जो करना है वो करो। फिर बंटी की दादी ने वो तिल चारों ओर से देखा और चिल्लाकर बोली, पारस की कोरी लुली पर काला तिल है। तो सब लोगों को उस तिल को देखना था तो सबने बोला, पारस का नाम अब से गोरा तिल होगा। बंटी भी खुश हो गया पारस का ये नाम सुनकर। फिर बंटी की दादी ने दूसरे हाथ से पारस की लुली की खाल को पकड़ा और पीछे धक्का मारा, पर खाल पीछे नहीं हुई। कई बार करने पर भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने बंटी से विक्स मंगवाई और पारस की लुली हिल रहा था पर लुली दादी ने कस कर पकड़ी थी। बंटी विक्स ले आया, फिर दादी ने एक हाथ से ही ढक्कन खोला और विक्स अपनी उंगली पर लगाई और फिर पारस की लुली जहाँ तक खुल सकती थी वहाँ तक लगाई। पारस की को जलन होने लगी और ठंडी लगने लगी लुली पर। वो चिल्लाने लगा पर दादी ने लुली पकड़े रखी। फिर दादी ने अपने बाल से चिमटी निकाली और उस पर भी विक्स लगाई। फिर पारस की लुली को की खाल को के अंदर जैसे ही चिमटी डाली पारस चिल्लाने लगा। दादी ने चिमटी गोल गोल लुली के अंदर चारों तरफ घुमाई और निकाल दी। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ जोर लगाया और जोर बढ़ाते चली गई और पारस की लुली की खाल धीरे धीरे पीछे होने लगी और आखिर में पारस की लुली की खाल आधी खुल गई थी। तब दादी ने एक जोर का झटका दिया और पारस की लुली पूरी तरह खुल गई और दादी जोर से बोली, लाल टोपी बाहर आ गई मेरे पारस की। जैसे ही लुली खुली पारस की चीखें भी तेज हो गई होते गई और उसने अम्मी चिल्लाया। सब लोग हंसने लगे। सब लोगों ने फिर उसकी लाल टोपी देखी और फोटो ले ली। फिर बंटी की दादी ने खाल को फिर तेज़ी से आगे पीछे किया और कहा, अब ये खुली ही रहेगी। पारस ने रोते रोते बोला, हाँ खुली रहेगी, इसे छोड़ दो, आपका हाथ चुभ रहा है। बंटी की दादी ने उसके मुंह पर देखकर हंसी और बोली,
अब रात तक हाथ नहीं हटाऊंगी मैं तेरे लुली से, इसे खोल के ऐसे ही पकड़े रहूंगी। फिर बंटी की दादी ने अपने एक हाथ से पारस की लुली को खोले रखा और वहीं पर बैठ गई। फिर पारस की अम्मी चाय लेकर आई और बोली, कितनी सुंदर लाल टोपी है। पारस ने फिर से बोला, अम्मी माफ़ कर दो, पर उन्होंने फिर अनसुना कर दिया। फिर उन्होंने हजाम को बोला, इसका खतना शुरू करो। फिर सब लोगों ने कहा, इसने हमारे जेबों में बिच्छू घास डाली थी। जैसे ही ये उसकी अम्मी को पता चला तो उन्होंने गुस्से में बंटी से बिच्छू घास मंगवाई और बोला, इसका खतना करने के बाद आप लोग इसको सजा दो जो भी बंटी की दादी बताएं। फिर हजाम ने पूछा, इसकी लुली की तिल रखना है या उड़ाना है। पारस की अम्मी ने बोला, मैं सबके लिए खाना बना रही हूँ, ये सब दादी को पूछो। फिर दादी के कहने पर तिल को नहीं उड़ाया। दादी ने बोला कि इसका नाम गोरा तिल है जो इसकी खुली लुली पर हमेशा रहेगा। हजाम ने दादी को कहा, हाथ हटा दो, मुझे टाके लगाने हैं। तो दादी ने हाथ हटाने से मना किया। उन्होंने पारस की लुली को खोल कर पकड़ा हुआ था, पर फिर दादी ने पारस की लुली के नीचे बिच्छू घास का पत्ता रख दिया ताकि अगर पारस ने लुली हिलाई तो वो लाल टोपी पर लग जाए। तब हजाम ने इंजेक्शन लगाया जो पारस की लुली में गया तो पारस चिल्लाने लगा। इंजेक्शन लगा तो पारस चिल्लाया नहीं। फिर हजाम ने खाल को आगे किया और चिमटी से उसे अटका दिया और एक झटके में अस्त्रा चला दिया। पारस को बहुत दर्द हुआ पर पारस हिला नहीं। फिर पारस की लुली को पीछे किया और टांके देखकर पारस डर गया। तो दादी ने उसके अंडों को जोर से अपने हाथों से दबा दिया। फिर पारस चुपचाप रहा। हजाम ने पहला टांका लुली के अंदर डाला तो पारस हिल गया। तो फिर उसके अंडों को दादी ने और जोर से दबा दिया और वो चुप हो गया। जैसा टांका कसा वैसे ही पारस को और दर्द हुआ। वो फिर हिला पर दादी ने उसके अंडों को और जोर से दबा दिया। पारस के आंसू आ रहे थे। टांके पर भी फिर टाइट नॉट कसने पर भी पारस रो गया। दादी ने तब उसको बोला, अगर हिलेगा तो अंडों पर बिच्छू घास लगेगी। तो चुप हो गया। फिर ऐसे ही दूसरा टांका लगा और कसा तो पारस हिल गया। दादी को गुस्सा आया और उन्होंने पारस के अंडों पर बिच्छू घास लगा दी और उसको ज़बरदस्त जलन हुई। उसके दोनों अंडे ऊपर चले गए और दादी ने उन्हें पकड़कर टाइट से नीचे खींच दिया। फिर ऐसे तीसरा टांका लगा। इस बीच सब लोग चाय पी रहे थे और सबके हाथ में एक एक बिच्छू घास थी। टांका करते ही पारस के दोनों अंडे फिर से ऊपर जाने वाले थे, पर तब तक दादी ने पारस के अंडों को रस्सी से कसकर बांध दिया और रस्सी एक डंडे से घुमाकर अपने एक हाथ में पकड़ ली। पारस को अपने अंडों के खींचने का दर्द हुआ पर वो हिला नहीं। फिर चौथा टांका लगा। पारस को दर्द हुआ पर वो हिलता तो दादी रस्सी खींच देती जिससे उसके अंडे भी ऊपर नहीं आते। ऐसे करके 9 टांके पारस की लुली पर लगे। फिर हजाम ने पट्टी की। उससे पहले दादी ने पूछा कि क्या इसकी लुली को अब मैं पकड़ सकती हूँ। तो हजाम ने बोला, टांकों के आगे पकड़ सकते हैं। फिर दादी ने देखा कि लुली अब पूरी खुली थी। गुलाबी टोपी चमक रही थी। लुली बहुत सुंदर लग रही थी। फिर दादी ने टांके के आगे दोनों हाथों से लुली को पकड़कर पीछे की ओर धक्का मार के रखा ताकि खुली
डुल्ली टाइट ही रहे। जैसे ही पकड़ा वैसे ही पारस हिलने लगा और चीखने लग गया, पर दादी उसकी आंखें सुनकर पक गई थी, तो उन्होंने पारस के मुंह को रुमाल से बांध दिया और पारस के अंडों को रस्सी पर 2 किलो वजन हवा में लटका दिया ताकि उसके अंडे ऊपर ना आ जाए। पारस को दर्द हो रहा था पर ज़्यादा नहीं था। फिर दादी ने दोनों हाथों से लुल्ली को टांकों के आगे टाइट करके पकड़े रखा और लोगों को बोला, सब इसकी गोरी लुल्ली, लाल टोपी और तिल वाली लुल्ली देख लो। और बंटी को बोला, सबके हाथों में एक बिच्छू घास दे दें। बंटी ने ऐसा ही किया। फिर बाजी आई और दादी के कहने पर खुली हुई लाल टोपी पर बिच्छू घास का पत्ता रगड़ दिया और तिल को भी देखा, कहा, हैप्पी बर्थडे पारस। पारस को बहुत जलन हुई पर पारस हिला तो बंटी की दादी ने अंडों पर बंधा वजन हिला दिया और पारस छटपटाता। ऐसे ही अगली बाजी आई, उन्होंने तो अंडों पर भी बिच्छू घास का पत्ता रगड़ा। ऐसे फिर तीस लोगों ने पारस की खुली लुल्ली की लाल टोपी पर बिच्छू घास लगाई, हैप्पी बर्थडे बोला और पारस की लाल टोपी पर दाने हो गए। पर बंटी की दादी ने उसकी लुल्ली को दोनों हाथों से पकड़े रखा। पारस के बस आंसू आ रहे थे। फिर बंटी ने उसकी लाल टोपी पर विक्स लगाई और कहा, हैप्पी बर्थडे नंगा, जिससे पारस को जलन हुई और उसके अंडों पर भी कंचे मारे। पारस बहुत हिला पर दादी ने उसकी लुल्ली को छोड़ा नहीं और लास्ट में दादी ने कहा, मेरी तरफ से भी गिफ्ट है। दादी ने उसकी खुली लुल्ली की लाल टोपी पर बिच्छू घास का एक पत्ता रगड़ा रबर बैंड से बांध दिया, जिससे पारस आउ करके चिल्लाने लगा। फिर बंटी की दादी ने बोला, तेरी गोरी खुली तिल वाली लुल्ली को ये बिच्छू घास खुला ही रखेगा, जिससे पारस आई करके चिल्लाता रहा। सारे लोग खाना खाकर चले गए। पारस को बंटी की दादी ने बोला, तेरी अम्मी ने बताया था तू लुल्ली से खेलता है, पर अब मैं यहीं पर रहूँगी तेरे साथ रात तक। तब तक तेरी तिल वाली खुली लाल टोपी वाली लुल्ली को मैं ऐसे ही देखती रहूँगी, तू नंगा बधा बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस, पारस का राज और दर्दनाक खतनाक की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको स्टोरी कैसी लगी, और स्टोरी को सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।